दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक रेगिस्तानी इलाके से जहां बच्चों को खुदाई के काम पर लगा रखा था। इस रेगिस्तानी इलाके में दूर दूर तक पानी नहीं था, इसलिए यहां से कोई भी बचकर भाग नहीं पाता। यहां जितने भी बच्चे खुदाई का काम कर रहे थे उन्हें ये काम उनकी सजा के तौर पर दिया गया था। इसके बाद हम सड़क पर एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम था स्टैनली। स्टैनली यहां से गुजर ही रहा था कि अचानक से उसके ऊपर जूते गिर जाते हैं। इन जूतों पर लाल कलर की लाइंस बनी हुई थी। स्टैनली जब इन शूज को सूंघता है तो उसे इनमें से बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है, इसलिए वो इन्हें अपने घर ले जाने लगता है। क्योंकि स्टैनली की जो फैमिली थी वो पैरों से आने वाली बदबू पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी। जैसे ही स्टैनली इन जूतों को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ता है, वैसे ही इसके सामने पुलिस आ जाती है और इसे अपने साथ अरेस्ट करके ले जाती है, क्योंकि स्टैनली के पास जो जूते थे वो एक फेमस बेसबॉल प्लेयर के थे। लेकिन पुलिस स्टैनली पर इन जूतों को चुराने का इल्जाम लगाती है। पुलिस स्टैनली को लेकर उसके घर भी जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि स्टैनली का पूरा घर जूतों से भरा हुआ है। ये सब देखकर पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि बेसबॉल प्लेयर के शूज इसी ने चुराए हैं। ये फैसला कोर्ट में जाता है, जहां जज स्टैनली को 18 महीने की सजा सुनाता है और फिर स्टैनली को भी वही रेगिस्तानी इलाके में भेज दिया जाता है जहां सब बच्चे खुदाई कर रहे थे। स्टैनली की पूरी फैमिली खुद को अनलकी मानती है और इसकी शुरुआत हुई थी उसके परदादा से। वहीं दूसरी तरफ स्टैनली अब ठिकाने पर पहुंचता है। शुरुआत में बच्चे स्टैनली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और इसे खूब परेशान करते हैं। लेकिन एक दिन स्टैनली सब बच्चों के साथ बैठकर खाना खा रहा था, तभी वो इन्हें बताता है कि मुझे यहाँ पर जूते चोरी करने के झूठे इल्जाम में लाया गया है। वो जूते एक बहुत बड़े बेसबॉल प्लेयर के थे, इसी वजह से मुझे यहाँ पर भेज दिया गया। इसी बीच एक बच्चा जिसको सब यहाँ पर जीरो बुलाते थे वो स्टैनली से बात करता है और पूछता है कि क्या उन जूतों पर लाल रंग की लाइंस बनी हुई थी। जीरो को सब बोलता हुआ देख के हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज से पहले जीरो किसी के साथ बोला नहीं था, लेकिन स्टैनली से बात करता है। स्टैनली भी बताता है कि हाँ उन जूतों पर लाल रंग की लाइंस है। रात को स्टैनली बेड पर लेटा अपने दादाजी की सुनाई हुई कहानियां याद करता है। इसमें स्टैनली के परदादाजी के बारे में बताया जाता है, जो शेयर मार्केट में काफी अच्छी पहचान रखते थे और इसी से उन्होंने खूब पैसे भी इकट्ठे किए थे। लेकिन एक किसिंग कैट नाम की लड़की ने उन्हें कहीं का भी नहीं छोड़ा और बर्बाद कर दिया। इसके बाद स्टैनली के परदादा ने पिक का एक फार्म खोला, जहां पर उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया और वो लड़की खुद उनके मालिक की बेटी थी, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत थी। पर दादा इस लड़की को अपना बनाना चाहते थे, इसलिए वो एक लेडी के पास जाते हैं जिसके पास बहुत सी शक्तियां थी। ये लेडी परदादा से कहती है कि तुम उसका सपना छोड़कर अमेरिका चले जाओ, वो बेवकूफ है। लेकिन परदादा जी तो प्यार में डूबे हुए थे, इसलिए वो इस लेडी की बात ही नहीं मानते। ये देखकर लेडी कहती है कि तुम एक काम करो, एक छोटे से पिक को लेकर पहाड़ी पर जाओ और वहां बहते झरने का पानी उसे पिलाओ। इसके बाद ये पिक बहुत बड़ा हो जाएगा और इस तरह उस लड़की के पिता भी राजी हो जाएंगे। परदादा भी यही करते हैं और पिक को लेकर जब लड़की के घर जाते हैं तो उसके पिता शादी के लिए राजी हो जाते हैं। इधर ही हम एक और मोटे से गंदे से आदमी को देखते हैं, जो कि पिक लेकर रिश्ता लेने के लिए आया था और इसका पिक परदादा के पिक से बड़ा था। ये लड़की परदादा से शादी करने के बजाय इस मोटे से आदमी से शादी करने की कहती है। ये देखकर स्टैनली के परदादा समझ जाते हैं कि ये वाकई में बेवकूफ है और वो इस लेडी के कहे मुताबिक इस जगह को छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं और यहाँ पर काम करने लगते हैं। लेकिन इस बीच वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने लेडी को किया हुआ वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। दरअसल जिस लेडी ने पिक वाली बात बताई थी उसने ये भी कहा था कि तुम मुझे उस झरने के पास ले जाना जिसका पानी पीकर मैं खूबसूरत और जवान हो जाऊंगी। लेकिन स्टैनली के परदादा ने ये वादा पूरा नहीं किया। इसी बात से खफा होकर ये लेडी स्टैनली के परदादा को श्राप देती है कि अब जो भी आदमी तुम्हारे घर पैदा होंगे वो सब अनलकी होंगे, और इसी मुताबिक स्टैनली भी दूर रेगिस्तान में है। इसके बाद कहानी घूमती है स्टैनली पर, जो कि सब बच्चों की तरह जमीन में खुदाई कर रहा था। इन बच्चों में से किसी को भी नहीं पता था कि आखिर ये गड्ढा खोद किस लिए रहे हैं। खैर एक दिन ऐसी खुदाई करते वक्त स्टैनली को जमीन से एक पुरानी चीज मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और इसे लेकर अपने इंचार्ज के पास जाता है ताकि वो स्टैनली से खुश हो जाए। लेकिन जब इंचार्ज इसे देखता है तो वो कहता है कि जमीन से निकलने वाली हर चीज कीमती नहीं होती है। ये इंचार्ज बताता है कि आज से ठीक 100 साल पहले यहाँ की जो वार्डन है ये पूरी जगह उसके परदादा की हुआ करती थी और वो ही इस पूरे शहर के मालिक थे, और तब इस शहर का नाम था ग्रीन लेक। ग्रीन लेक नाम रखने की बजाय यहाँ मौजूद एक लेक थी, लेकिन अब वो सूख गई है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है पिछले टाइम में, यानी कि 100 साल पहले, जब ये शहर आबादी से गुलजार था। यहाँ सैम नाम का एक लड़का था जो कि ब्लैक था। वही एक व्हाइट टीचर थी जिसका नाम था कैथरीन। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, हर कोई इसका दीवाना था। लेकिन कैथरीन और सैम धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिससे इसके परदादा बिल्कुल भी खुश नहीं होते, क्योंकि वो इस शहर के मालिक थे। और फिर वार्डन के दादा यानी इस शहर का मालिक काले और गोरे में भेदभाव करता था, इसलिए ये सैम को पसंद नहीं करते। कैथरीन के दादा खुद उसे पसंद करते थे, इसलिए वो कैथरीन को सैम का होता हुआ देखकर कैथरीन के स्कूल को जला देते हैं और सैम को भी मारने के लिए ले जाते हैं। ये देखकर कैथरीन यहाँ पुलिस के पास मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन पुलिस भी इसके दादा के लिए काम करती थी, इसलिए वो कैथरीन की मदद नहीं करती। वहीं सैम को समुन्दर में ले जाकर कैथरीन के सामने मार दिया जाता है। इसके बाद कैथरीन सैम का बदला लेने के लिए सबसे पहले पुलिस वाले के पास जाती है,
और उसे शूट कर देती है। इसके बाद वो सबसे अपना बदला लेती है और कैथरीन से किसिंग कैट बन जाती है, क्योंकि ये लोगों को मारने के बाद एक किस देती है। और इसी किसिंग कैट ने स्टैनली के परदादा का भी सारा पैसा लूट लिया था और उन्हें कंगाली के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। अब हमें प्रेजेंट टाइम की कहानी दिखाई जाती है जहाँ स्टैनली खुदाई कर रहा था। उसे गोली मिलती है जिसे एक्सरे छीन लेता है और इंचार्ज को एहसास से देता है कि उसे इसके बदले एक दिन छुट्टी मिलेगी। इसी बीच यहाँ जेल की जेलर जो कि एक लेडी थी वो आती है और इस गोली को देखती है और एक्सरे से खुश होकर उसे एक दिन की छुट्टी दे दी जाती है। वही इंचार्ज की गाड़ी से एक लड़का सनफ्लावर के बीजों का थैला चुरा लेता है, लेकिन थोड़ी ही देर में इंचार्ज अपने थैले के बारे में पूछने लगता है। ये देखकर लड़के इस थैली को स्टैनली के पास फेंक देते हैं। स्टैनली भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए कहता है कि ये मैंने ही चुराए थे। इस पर इंचार्ज स्टैनली को लेकर वार्डन यानी जेलर के पास ले जाता है ताकि वो इसे सजा दे, लेकिन जेलर इसे बिना सजा दिए वापस काम पर भेज देती है। जाते वक्त स्टैनली एक फ्रेम में न्यूज़पेपर देखती है जिसमें किसिंग कैट बार्लो के बारे में छपा था, यानी यही लेडी किसिंग कैट या कैथरीन है और इसने ही स्टैनली के परदादा को भी कंगाल किया था। स्टैनली को ध्यान आता है कि उसे जो गोली मिली थी उस पर केबी लिखा था, यानी कैथरीन बार्लो, लेकिन असल में ये गोली नहीं बल्कि उसकी लिपस्टिक थी। स्टैनली को सब समझ में आ जाता है और ये दोबारा अपनी जगह गड्ढा खोदने के लिए चल देता है, लेकिन जहाँ उसकी जगह जीरो गड्ढा खोद रहा था। जीरो को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए वो स्टैनली से कहता है कि मैं तुम्हारे बदले गड्ढा खोदूंगा, लेकिन इसके बाद तुम मुझे पढ़ा देना। इस पर स्टैनली राजी हो जाता है और जीरो इसे अपना रियल नेम भी बताता है। दरअसल जीरो उसी लेडी का बेटा था जिससे स्टैनली के परदादा ने वादा किया था, लेकिन पूरा न कर पाने की वजह से इनके घर के सभी आदमियों को अनलकी होने का श्राप मिला था। लेकिन स्टैनली और जीरो इस बात से बेखबर थे। खैर, स्टैनली जीरो को पढ़ना सिखाना शुरू कर देता है और जीरो इसका काम करता है, लेकिन जब ये बात इंचार्ज को पता चलती है तो वो वार्डन को बता देता है और ये लोग स्टैनली के पास जाते हैं। स्टैनली हिम्मत करके कहता है कि हमें जीरो को पढ़ने देना चाहिए, वो बहुत काबिल है। इस पर इंचार्ज हंसने लगता है और कहता है कि वो कभी नहीं पढ़ पाएगा। ये सुनकर जीरो को बहुत गुस्सा आता है और वो इंचार्ज पर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है और खुद यहाँ से भाग जाता है। जीरो को पकड़ने के लिए कोई भी इसका पीछा नहीं करता, क्योंकि सब जानते थे कि इस रेगिस्तानी इलाके में कोई भी ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। रात को स्टैनली लेटा हुआ जीरो के बारे में सोचकर परेशान होता है, लेकिन तभी उसे अपने परदादा की बताई हुई बात याद आती है जब उसके परदादा जी रेगिस्तानी इलाके में 16 सालों तक सही सलामत रहे। इसी बीच वो गॉड फिंगर नाम की एक पहाड़ी पर गए थे, लेकिन थकावट होने की वजह से वो इस पहाड़ी के बारे में जानकारी हासिल न कर सके। स्टैनली हार नहीं मानता और यहाँ से भागकर जीरो को ढूंढने निकल जाता है और कुछ दूरी पर जीरो भी इसे मिल जाता है। भूख से परेशान, प्यास से बेचैन, दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। कुछ दूर चलने पर इन्हें वही पहाड़ी दिखती है जहाँ स्टैनली के परदादा आकर फंस गए थे। इस पहाड़ी पर चढ़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन दोनों चढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी बीच स्टैनली का हाथ स्लिप होता है और वो नीचे गिरने ही वाला होता है कि जीरो उसे बचा लेता है, जिससे उसके हाथ में काफी चोट आती है। लेकिन फिर भी ये दोनों नहीं रुकते और लगातार ऊपर चढ़ते जाते हैं, लेकिन जीरो मना करता है कि अब मैं इसे ऊपर नहीं जा सकता हूँ, तुम्हें ही जाना होगा। लेकिन स्टैनली इसे अपनी पीठ पर बैठा कर ऊपर चला जाता है जहाँ इन्हें पानी दिखता है। ये वही जगह थी जहाँ जीरो की दादी यानी पिग वाली लेडी ने स्टैनली के परदादा से लाने की बात कही थी। स्टैनली जीरो को पानी पिलाता है, उसे होश में लेकर आता है और इस तरह स्टैनली के परदादा को जो जीरो की दादी ने श्राप दिया था वो खत्म हो जाता है। अब किस्मत इनके साथ थी, इसलिए सालों से स्टैनली के पिता जो पैरों से आने वाली बदबू पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो भी सफल हो जाता है और स्टैनली पर से जूते चुराने का इल्जाम भी हटा दिया जाता है, क्योंकि स्टैनली के लॉयर ने इस केस को जीत लिया था। इसलिए स्टैनली की फैमिली उसे इस रेगिस्तान से लेने के लिए आती है, लेकिन वार्डन बताती है कि वो तो यहाँ से भाग गया है और अब तक तो शायद वो मर भी गया होगा। इसके बाद फिर से कहानी पास्ट में घूमती है और यहाँ पर किसिंग कैट के पास उसके दादाजी आते हैं और उसे खजाने के बारे में पूछते हैं जो कि उसने लूट कर कहीं छुपा दिया था, लेकिन वार्डन इन्हें कुछ नहीं बताती और फिर इसकी मौत हो जाती है। यही वजह है कि वार्डन की फैमिली आज तक इन बच्चों से खुदाई करवा कर खजाने की खोज कर रही है। वहीं स्टैनली को पता था कि खजाना कहाँ पे है, इसलिए ये दोनों उस जगह की खुदाई करते हैं जहाँ इन्हें किसिंग कैट की लिपस्टिक मिली थी और इन्हें खजाना भी मिल ही जाता है। इसी बीच वार्डन भी यहाँ पे आ जाती है और इनके हाथ में बैग देख लेती है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सी जहरीली छिपकलियां भी थी, इसलिए सब पीछे हट जाते हैं। बाद में पुलिस के सामने वार्डन स्टैनली और जीरो पर इल्जाम लगाती है कि ये दोनों हमारा खानदानी खजाना लेकर भाग रहे थे। इसी बीच जीरो को एक बैग पर स्टैनली के परदादा का नाम लिखा हुआ दिख जाता है। ये नाम देखकर पुलिस स्टाफ इस खजाने को जो कि स्टैनली के परदादा का है उसे ही दे देते हैं और चोरी के इल्जाम से भी बरी होकर उसे घर भेज दिया जाता है और फिर सब ठीक हो जाता है। वहीं रेगिस्तान में फिर से 100 साल बाद बारिश होती है, यानी ग्रीन लेक में फिर से पानी आएगा। वहीं स्टैनली अपनी फैमिली को सारा खजाना दे देता है और लास्ट में जीरो भी अपनी बिछड़ी हुई माँ से मिल जाता है और स्टैनली जीरो अपनी फैमिली के साथ एक आलीशान जिंदगी गुजारते हैं।
और यहीं पर कहानी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। इस मूवी का लिंक अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।